तो आज हम लोग देखेंगे चेक योर प्रोग्रेस 26.4 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को डी बाय डी एक्स ए और बी, ये दो फंक्शन है मान के चलिए, और ये देखिए बीच में क्या है, ये आपका इनटू में है, दैट मींस प्रोडक्ट। तो इसका डेरिवेटिव निकालने का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होगा, सेकेंड फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे, मान लीजिए बी को कांस्टेंट रख देंगे, और ए का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे, फिर प्लस साइन होगा, और उसके बाद में फिर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख दीजिएगा और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करिएगा। बस ये तरीका है प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बिना प्रोडक्ट रूल यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक मेथड यहाँ पे विदाउट प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, और एक हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करके देखेंगे विथ प्रोडक्ट रूल यूज करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो हम इस रूल को यूज करके ही इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिना प्रोडक्ट रूल का भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी ये जो फंक्शन दिया गया यहाँ पे 3x+1 और यहाँ पे 2x-7, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-7 के साथ, और उसके बाद +1 2x-7 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए 3 × 2 = 6 x² और फिर -3 × 7 = 21 और x, तो 21x आ जाएगा, फिर यहाँ पे +2x-7 ऐसे आ जाएगा। फिर थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे तो अब क्या होगा, ये तो आपका 6x² ही रहेगा, यहाँ पे -21 और +2, मतलब दोनों का टर्म सेम है, ये भी x है ये भी x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 21 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 21 बड़ा है, तो 21 से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19x, उसके बाद -7, ठीक है ना। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव अगर निकाल दे, देखिए इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ 6x² - 19x-7, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 6x² मतलब ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव निकालना हम लोग को पता है, इससे पहले वाला वीडियो में जब हम लोग 26.3 एक्सरसाइज किए थे तो हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, x होगा, क्यों x होगा, क्योंकि पावर से 1 घट जाता है, पावर में 2 था, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव निकला 2 × x - x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 है तो ये 19 निकलेगा, और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 12x - 19 ये आना चाहिए। अब चलिए इसी को हम लोग प्रोडक्ट रूल से करते हैं, इसी को हम लोग प्रोडक्ट रूल से भी करके देखेंगे। प्रोडक्ट रूल का सिस्टम क्या है, यहाँ पे हम लोग को डेरिवेटिव किसका निकालना है, हम लोगों को निकालना है 3x+1 और 2x7। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये a है और ये b है मान के चलिए, या फिर आप ऐसा मान के चलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रख दीजिए, सेकंड फंक्शन जो कि हमारा 2x-7 था इसको कांस्टेंट रख दीजिए,
और 2 by 2x, sorry 2 by 2x में d by dx और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए। उसी प्रकार से फिर आप क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सेकंड फंक्शन का कांस्टेंट रख देंगे, सेकंड फंक्शन को हम लोग सॉरी फर्स्ट फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे 3x plus 1 और सेकंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे, सेकंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे 2x minus 7। एक बार फिर देख लीजिए, सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसा कुछ नहीं भी सोच के हम लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन को कांस्टेंट निकालना है और दूसरा फंक्शन को फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे जिस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल दिए उसको यहाँ पे प्लस के बाद कांस्टेंट रखना है और यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन कांस्टेंट रखे थे उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा, इसका कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 3 आएगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ 3 और फिर प्लस साइन। अभी यहाँ पे 3x plus 1 वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पे देखिए 2x minus 7 का जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा और 7 का क्या हो जाएगा, 7 कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे ले जाए अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे माइनस 21 और उसके बाद में फिर यहाँ प्लस साइन रहेगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 6x और 6x जुड़ जाएगा, यहाँ 12x आ जाएगा और 21 में से 2 जाएगा, 21 बड़ा है इसके आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन ही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। तो देखिए दोनों में हमारा आंसर सेम निकला है, दोनों में हमारा सेम निकला है। बट अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्ट रूल यूज के करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करके करना है, तो आप इस रूल को ही यूज करके फॉलो करेंगे और मेन हम लोगों को यही रूल आगे जाके काम देगा, जैसे डेरिवेटिव का और भी बहुत सारा जो हम लोग करने वाले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथम होता है, तो उस जगह में हम लोग को प्रोडक्ट रूल यूज करके ही करना होता है, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बी नंबर देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, मतलब डी बाय डी एक्स हम लोगों को निकालना है एक्स प्लस 1 और माइनस 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव। तो सिंपल हम लोग को करना क्या होगा, पहले हम लोग सेकेंड फंक्शन को कॉन्स्टेंट रख देते हैं, ठीक है, सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा माइनस 3x माइनस 2 है इसको हम लोग कॉन्स्टेंट रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम लोग का क्या है x plus 1 का डेरिवेटिव निकाल देंगे। उसके बाद प्लस साइन आता है और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट रख देंगे, जैसा था वैसा ही उतार देंगे और सेकेंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा माइनस 3x माइनस 2। फिर यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का तो कुछ नहीं करना है, ये वैसे ही उतर जाएगा माइनस 3x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा और प्लस 1 जो कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ प्लस साइन और यहाँ पे x प्लस 1 जो दिया गया है इसका कुछ नहीं करना, ये वैसे उतर जाएगा और हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है माइनस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ आएगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 ही आएगा और देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, मतलब माइनस 3x माइनस 2 का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको और आगे जाएंगे, देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर पूरा वैसे की वैसे उतर जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 3x और फिर माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, माइनस 3x और माइनस 3x जुड़ जाएगा मगर साइन माइनस का ही आएगा, माइनस 6x और यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 5, तो ये आपका
आंसर है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 26.4 का वन में, वो उसी प्रकार से तो आप लोग खुद करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझको वो क्वेश्चन दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग 26 का 2 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन भी, ठीक है, 2 का वीट भी जो है, और इसको इसलिए देख रहे क्योंकि यहाँ पे देखिए दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 3 फंक्शन है। अगर 3 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा हम लोग को, d/dx x-1 x-2 और x-3, ठीक है, और इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए 3 फंक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को d/dx a b c, ये 3 फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से देखिए b को और c को कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद d/dx a का डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन का, फिर प्लस साइन आएगा हमारा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने a का डेरिवेटिव निकाला था तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आप a को और c को कांस्टेंट रख दीजिए और b का डेरिवेटिव निकाल दीजिए और b का डेरिवेटिव निकाल दीजिए और उसके बाद फिर अब हम लोग b का डेरिवेटिव यहाँ निकाले थे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a और b को कांस्टेंट रख देंगे और हम लोग c का डेरिवेटिव निकाल देंगे इस तरह, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x माइनस टू और x माइनस थ्री को वैसे ही रख देंगे और सबसे पहला जो हम लोग का फंक्शन था, ठीक है, x माइनस वन, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लेंगे और फिर x माइनस वन और x माइनस थ्री इसको हम लोग कॉन्स्टेंट रख देंगे जैसे था और यहाँ पे d/dx हम लोग किसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, सेकेंड वाला फंक्शन का x माइनस, जो कि हमारा x माइनस टू है। उसी प्रकार से फिर हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, प्लस साइन देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन और x माइनस टू को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे जो कि x माइनस थ्री है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट रखे और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल रहे हैं। उसके बाद में फिर इसको और इसको कॉन्स्टेंट रखे हम लोग और सेकेंड वाला फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन को हम लोग फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पहले मैं वैसे उतार देता हूँ, x माइनस टू और x माइनस थ्री इसको वैसे ही उतार दीजिए। इधर अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करने जाएं x माइनस वन का तो डेरिवेटिव वन आएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे x माइनस वन और x माइनस थ्री को हम लोग वैसे उतार दिए और उसके बाद यहाँ पे x माइनस वन का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, x माइनस टू का डेरिवेटिव तो वन ही आएगा आपका और उसके बाद प्लस साइन और यहाँ पे x माइनस वन और x माइनस टू ये वैसे उतर जाएगा और यहाँ पे भी x माइनस थ्री का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री से और माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये एक्स मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ तो यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री एक्स, फिर ये टू मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक्स के साथ तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस टू एक्स और फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और टू थ्री जो सिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका प्लस साइन और उसके बाद यहाँ पे भी उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग, एक्स इंटू करेंगे एक्स के साथ तो आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस थ्री के साथ इंटू करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस वन एक्स के साथ होगा और यहाँ पे आपका प्लस थ्री आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस साइन होगा और फिर यहाँ एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और फिर एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स होगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है देखिए क्या क्या लाइक टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म है,
तो मैं यहाँ लिख दूं, अगर तो ये हो जाएगा 3x2, उसके बाद -3x है, -3x है और यहाँ पे -2x है, तो -3x -3x कितना हो जाएगा 6, -6x हो जाएगा, और -6x के बाद यहाँ पे कितना है -2x है, मतलब 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे -8x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे भी आपका x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ क्या बचेगा, -x बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो 9 हो गया, और 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये आपका 11 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है x का, यहाँ पे x कितना बच रहा है, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, और ये आपका 5x आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और ये वाला जो x है कितना हो जा रहा है, -4x हो जा रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है, ये आपका -3x हो जा रहा है। ठीक है, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म को जोड़े तो हम लोग का 11 हो गया है। अब यहाँ पे 3x2 और यहाँ पे 4 3 4 3 7 और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12x प्लस 11, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 5 4 9 9 3 12, तो यहाँ पे आपका 12x आया प्लस 11, तो 3 फंक्शन देगा, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए खुद से, अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप लोगों को डाउट्स होता है तो वो मुझसे पूछिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये जो मैंने आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।